धौलपुर जिले में हत्या की साजिश के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे भाजपा की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवा के पति व बसपा से बर्खास्त विधायक बीएल कुशवा को महाराष्ट्र के वेदांत नगर थाना पुलिस ने धौलपुर जेल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बर्खास्त विधायक कुशवा को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र ले गई है। जानकारी के मुताबिक बीएल कुशवा के खिलाफ वेदांत नगर थाने में आईपीसी की धारा 420, 406 और चिटफंडी के मामले में दर्ज है। पुलिस कुशवा को जेल से अनुसंधान के लिए ले गई है। कार्यवाहक जेलर जगदीश ने बताया कि धौलपुर के न्यायालय विशेष न्यायाधीश SCST के आदेश पर महाराष्ट्र की वेदांता नगर थाना पुलिस PC रिमांड पर अनुसंधान के लिए ले गई है। गौरतलब है कि धौलपुर की बसपा की वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवा के बसपा के बर्खास्त विधायक BL कुशवा पति हैं, जो धौलपुर जिले में हत्या के साजिश के मामले में आजीवन कारावास सजा भुगत रहे हैं। कुशवा को 8 दिसंबर 2016 को धौलपुर जिले के ADJ न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। BL कुशवा 2013 में धौलपुर विधानसभा से BSP की टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद हत्या की साजिश के मामले में क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने कुशवा को 14 अक्टूबर 2016 को धौलपुर न्यायालय में पेश किया था। दिनांक 11/7/18 को जिला धौलपुर में ये माधवपुरा का रहने वाला था, जो चालान निर्माण से वह जेल से इलाज लेते धौलपुर आई थी। उक्त बंदी 11 तारीख को गार्ड से कोच चकवा लेकर यहाँ से भाग गया था, जिसका मुकदमा थाना कोतवाल पर दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे का अनुसंधान मुझे दिया गया था। दिनांक 11/7 से लेकर अब तक उक्त बंदी पर नजर रखी गई थी, जगह जगह तलाश की जा रही थी। दौरान तलाश पता लगा कि अभियुक्त हैदराबाद है, अहमदाबाद का लोकेशन मिलने पर उक्त अभियुक्त का पीछा किया गया, जो पता जब टीम यहाँ से लेकर मैं रवाना हुआ उसे दस्तावेज करने के लिए प्रयास कर रहे थे, जयपुर आने का सूचना मिली। जयपुर से कल महेश नगर के पास से दस्तावेज करके और धौलपुर लेके आया हूँ, वही रवाना किया हुआ आगे कोर्ट में जैसी प्रक्रिया हुई। भरतपुर IG का पदभार ग्रहण करने के बाद IPS शालिनी अग्रवाल आज पहली बार धौलपुर पहुंची। धौलपुर पहुंचने के बाद IG भरतपुर ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस अधिकारियों से धौलपुर जिले की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेने के बाद जिले के सीमावर्ती राज्यों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बैठक कर बदमाशों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। इसके दौरान उनके साथ रहे इसके बाद रेंज IG ने भरतपुर वापस जाते समय मनिया थाने का निरीक्षण भी किया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक DD सिंह के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा और सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के भामतीपुरा मोहल्ले में स्थित बलदेव भवन में 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार से लैस होकर दोपहर करीब 2 बजे भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं IT सेल के संभाग प्रभारी मुकुल कंपनी के कंप्यूटर सेंटर को घुसकर तोड़फोड़ कर दी। मारपीट और लूटपाट की वारदात करने के बाद बदमाश सेंटर से बाहर निकले और उन्होंने अपने मुंह से नकाब हटाया तो उनके चेहरे CCTV फुटेज में साफ आ गए। घायल शिक्षक मनोज पुत्र राजवीर ने बताया कि 3 युवक उनके कंप्यूटर सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर पर बैठे शिक्षक से कंप्यूटर कोर्स करने की बात की। इसके बाद तीनों आरोपी ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी और गले से 7,500 रुपए लेकर फरार हो गए। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मोठियापुरा में कक्षा 6 की 8 छात्राएं विषाक्त खाना खाने से बीमार हो गईं। विद्यालय प्रशासन ने तबीयत खराब होने पर सरमथुरा CHC में भर्ती कराया, लेकिन 3 छात्राओं के पेट में अधिक दर्द होने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सायंकाल विद्यालय में दाल रोटी अरबी की सब्जी सलाद आदि छात्रों को परोसा गया था। खाना खाने के कुछ देर बाद छात्राओं की तबीयत खराब होने लगी और छात्राओं ने स्कूल शिक्षिकाओं से पेट दर्द की शिकायत की तो पीड़ित सभी छात्राओं को सरमथुरा CHC पर उपचार के लिए लाया गया, जहां से सामान्य स्थिति बताकर छात्राएं वापस छात्रावास भेज दी गईं। लेकिन छात्राओं को पेट दर्द से राहत नहीं मिली तो आज सुबह पुनः अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 8 छात्राओं को उपचार के लिए जनरल वार्ड में भर्ती कर लिया है। इन छात्राओं में पूजा, सबीना और ललिता की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है, जबकि छात्रा रामकेसी, ज्योति, दुर्गेश, गीता और उत्तरा का इलाज सरमथुरा CHC पर ही चल रहा है।
क्या कारण क्या हुआ बच्चियों को? पेट में दर्द है या पेट में? कौन से आवासीय विद्यालय? हाँ, कस्तूरबा गांधी। कब से है? शाम को हुआ था, शाम को दिखाई थी, फिर सुबह वापस आया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मैं हूँ, उसमें करीब सात आठ बच्चे हैं, छोटे बच्चे सब साथ में, छठी क्लास की बच्चियाँ थी, उनकी सभी की पेट में दर्द की शिकायत थी। धौलपुर जिला अस्पताल के बंदी वार्ड में 11 जुलाई को फरार दुष्कर्म के आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई को धौलपुर अस्पताल के बंदी वार्ड से दुष्कर्म के आरोप में जेल में विचाराधीन चल रहे बंदी आरब पुत्र रामसाय को भर्ती कराया गया था। विचाराधीन बंदी ने तम्बाकू खाने के बाद सीने में जलन की शिकायत की थी, जिस पर चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में बंदी वार्ड में भर्ती कराने के बाद आरोपी पुलिस गार्ड की उंगली काट खाकर फरार हो गया था, जिसकी तलाश एसपी के निर्देश पर साइबर शाखा के साथ कोतवाली पुलिस कर रही थी। पुलिस ने बताया कि साइबर सेल ने आरोपी के मोबाइल नंबर को लगातार ट्रेसिंग पर रखा था, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन जयपुर में मिली, जहां से कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले में एक दिन के लिए बने मानद जिला प्रमुख रामकिशन ने आज दर्जनों सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया। मादक जिला प्रमुख ने निरीक्षण के दौरान कई सरकारी कार्यालयों की पोल खोल कर रख दी। कई कार्यालयों में कर्मचारी अनुपस्थित मिले तो कई कार्यालयों में ताले लगे मिले। निरीक्षण के दौरान मादक जिला प्रमुख ने अधिकारियों का उपयोग कर विभागों में पाई गई खामियों के निस्तारण के मौजूदा वर्तमान जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन को सुझाव भी दिए हैं। निरीक्षण के बाद मादक जिला प्रमुख रामकिशन जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और वहां अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली। देर शाम को मादक जिला प्रमुख रामकिशन को स्वयं वर्तमान जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह अपनी गाड़ी से उनके गांव घर छोड़ आए। हम सबसे पहले तो हम ये हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद वहाँ सारी कमियाँ थी, पंखे लगा रखे थे ये कर्मचारियों ने, और जो मरीज आते उनमें कुछ भी नहीं था। और उससे उसके बाद ये सूचना केंद्र, उसमें ताला लगा हुआ था, और अटल सेवा केंद्र, उसमें भी ताला लगा हुआ था। बाड़ी कोतवाल मुरारीलाल मीणा के निर्देश पर कस्बे में ज्वारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सब इंस्पेक्टर रामनिवास मीणा ने चपेटी पाड़ा में कार्रवाई कर जुआ खेलते चार लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 20,400 रुपए की ताश की गड्डी बरामद की है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के आशियाना कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 35,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आशियाना कॉलोनी निवासी पीड़ित सराफत खान ने बताया कि वह बीती रात अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। बीती रात करीब 1 बजे के आसपास मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर करीब आधा दर्जन चोर मकान में घुस गए। चोरों ने अलमारी और बक्से के लॉक तोड़कर जेवर और डिबियों को निकाल लिया। डिबियों में रखे सोने चांदी के आभूषण के साथ करीब 35,000 रुपए की नकदी को भी निकाल लिया। पीड़ित सराफत ने रात को ही घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने देर रात में ही पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल अज्ञात चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो मैंने देखा तो मैंने कि कौन है रे, कौन है कौन है, तो जब देखा तो एकदम कबाड़ खोल के भागे चले गए। तो फिर मैं अंदर आया, देखा तो सब अलमारी का पूरा सामान वामान बिखरा डाला हुआ है। उसमें से पैसे रखे थे, 35,000 रुपये नकदी रखा था, 1 तोला सोना रखा था, वो भी लेके सब गायब हो गए। और रात को हमने पुलिस वाले मंगाए थाने में रिपोर्ट करने। धौलपुर शहर के पटपरा मोहल्ले में बीती रात बारिश से मकान की पक्की दीवार भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबे लोगों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले में खलबली मच गई। घटना की सूचना पाकर लोग मौके पर पहुंच गए। मलबे में दबे हुए तीनों सदस्यों को बाहर निकाला। परिजनों ने घायल अवस्था में तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। पीड़ित रफीक खान ने बताया कि वह अपनी मां नसरीन और भांजे साहिल के साथ मकान के कमरे में सो रहा था। रात्रि 12 बजे के बाद बारिश काफी तेज रफ्तार से शुरू हो गई थी। सुबह 4 बजे के आसपास मकान की पक्की दीवार भरभरा कर ढह गई,
जिसके मलबे में तीनों जने दब गए। हादसे की सूचना जैसे ही परिवार के अन्य सदस्यों और मोहल्ले के लोगों को हुई तो मौके पर पहुंच गए। लोगों ने निजी स्तर पर मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। घायल अवस्था में परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों द्वारा तीनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। हादसे में साहिल और नसरीन को गंभीर चोटें आई हैं। हमारी छत्ती दीवार गिर पड़ी तो उसमें मैं दब गया, मेरी माँ दब गई और मेरा भांजा दब गया। भांजे का हाथ टूट गया, ऑपरेशन भी कर दिया डॉक्टर ने, और मेरे भी काफ़ी चोटें आई हैं, सर में चोट आई है और माँ। शहरी निकायों में स्वच्छता के सर्वे के बाद अब धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सर्वे होने जा रहा है, जिससे सभी गांवों में स्वच्छता के संबंध में स्वस्थ स्पर्धा हो तथा स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हो सके। बुधवार को कलेक्ट्रेट में कार्यशाला आयोजित कर मूलभूत प्रशिक्षण व जानकारियां दी गईं। जिला कलेक्टर ननुमल पाड़िया ने बताया कि 1 से 31 अगस्त तक भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान चलाया जाएगा। अभियान जिले के सभी गांवों में चलेगा। भारत सरकार इन सभी गांवों में से 10 गांवों को चयन रैंडम से कर स्वच्छता सर्वेक्षण कराएगी। धौलपुर जिले के खनिज विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पार्वती नदी के महादेव घाट से लाल बजरी से भरे हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। खनिज विभाग और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। बजरी माफिया नदी के खदानों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर फरार हो गए। थाना प्रभारी टीनू सेंगरवाल ने बताया कि इलाके में प्रतिबंधित पार्वती नदी में बजरी माफिया द्वारा लगातार खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस और खनिज विभाग को मिल रही थी। खनिज विभाग की टीम ने पुलिस बल को साथ लेकर नदी के महादेव घाट स्थित अचानक बजरी माफियाओं के ठिकाने पर छापा मारा। पुलिस टीम को साथ देकर माफिया पार्वती के जंगलों में फरार हो गए। वहीं मौके पर बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। सैपुर थाना क्षेत्र में पार्वती नदी से अवैध खनन की बार बार सूचना मिल रही थी, जिस पर हमने आज 5 ट्रैक्टरों को अवैध पार्वती रेता खनन में जब्त किया था और खनन विभाग। बुधवार को सरानी खेड़ा में छोटे सीएनजी टेम्पो के कारण डीजल से चलने वाले ऑटो वाहनों के चालकों ने झगड़ा कर लिया, जिससे डीजल से चलने वाले ऑटो चालक के साथ एक मिलकर हड़ताल कर दी। इस हड़ताल के चलते धौलपुर पढ़ने वाले छात्र और मरीज साथ ही यहां के व्यापारियों को इस समस्या का सामना करना पड़ा है। यह सिलसिला लगभग दोपहर 1 बजे तक चला। बताया गया कि वो बड़े डीजल से चलने वाले ऑटो हैं, वो अपने वाहन को खड़ा करने के लिए स्टैंड का किराया धौलपुर और सरानी खेड़ा में चुकाना पड़ता है। इसके बाद पचगांव चौकी इंचार्ज बलविंदर सिंह ने दोनों ऑटो चालकों को आपस में बातचीत कर समस्या का समाधान किया। टेम्पो वालों से लड़ाई हुई थी, सीएनजी वाला मैं हूँ और जे अल्पवाय, और इसके बाद में क्या हुआ है, आज हड़ताल मनाई है इनने। हड़ताल मनाने की वजह से फिर उन्हें समझौता करने के बाद में हमने हम राजी हो गए, वो हमारे साथ राजी हो गए। जिंदाबाद। टेम्पो का आपस में विवाद होने के कारण समझौता हो चुका है। टेम्पो कैसे बंद पड़े हैं? टेम्पो बंद पड़े हैं, सीएनजी टेम्पो वालों से विवाद था, लंबर के आगे सवारी ले जाते थे इस चक्कर में। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब इनका आपस में समझौता हो गया है, करीबन 1:30 बजे से टेम्पो चालू है। अब सब नंबर पर ले जाएंगे के? सब टेम्पो नंबर पर चलेंगे, नंबर के आगे। धौलपुर जिले में NH-11B पर बुधवार को बड़ा हादसा होने से उस समय बच गया जब एक अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल से बच्चों को लेकर उनके घर छोड़ने जा रही वैन को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से वैन का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं वैन में सवार 2 बालक बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर चंपत हो गया। दोनों घायल छात्रों में से एक की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा बालक एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना उस समय हुई जब सरमथना के निजी स्कूल SR कॉन्वेंट की स्कूल वैन छुट्टी होने पर बच्चों को घरों पर छोड़ने जा रही थी। रास्ते में NH-11B पर मोठियापुरा के मोड़ पर वैन जैसे ही पहुंची तो करौली की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। घायल केतन पुत्र त्रिलोकीनाथ को सरमथना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ से हालत चिंताजनक होने के कारण जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरे बालक को उसके परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में उपचार के लिए भर्ती कराया है। उधर मौके पर पहुंची सरमथना पुलिस ने नाकाबंदी करके दुर्घटना करके भागने वाले ट्रक को बथुआ खो के पास पकड़कर जब्त कर लिया है। ट्रक किसी गैस एजेंसी का है, ट्रक में रसोई गैस सिलेंडर भरे हुए हैं।
मामला ये स्कूल पे छुट्टी हुई थी 2 बजे के करीब बच्चों की, फिर बैंक से जा रहे थे गांव पवेनी के लिए, तो बीच में एक ओवरब्रिज पड़ता है उसमें एक ट्रक आ रहा था सिलेंडरों से भरा हुआ, वो आमने सामने से पे गया। कितने बच्चे? 15 बच्चे थे। ग्राम पंचायत लीलोटी के गांव कुरगमा की महिलाओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि धौलपुर जिले की पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत लीलोटी के वर्तमान सरपंच एवं सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ व अन्याय किया जा रहा है। सरकार द्वारा गरीब जनता के लिए चलाई जा रही विकासमुखी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास योजना व शौचालय के भुगतान करने के लिए ग्रामीणों से पैसे लिए जाते हैं। जो पैसे देता है उसका भुगतान हो जाता है और जो नहीं देता उसे परेशान किया जाता है। ग्रामीणों ने मामले में जांच कराकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कॉलोनी में नाम फॉरम भर देते हैं और नाम देते काट देते। पहले मैंने प्रियांजी के नाम से भरे और फिर मैंने ओनू की भरे तो ओनू की नाम दो। बुधवार को अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन चंसौरिया मॉल बसेड़ी रोड बाड़ी में किया गया, जिसमें संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें यतेंद्र गुलपालिया को जिला अध्यक्ष भरतपुर, यतेंद्र पांडे भुसावर वाले को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रविंद्र तिवारी भरतपुर वालों को प्रदेश महासचिव राजस्थान, पुरुषोत्तम शर्मा बाड़ी वालों को जिला अध्यक्ष, संग्राम पंडित धौलपुर को उपाध्यक्ष राजस्थान नियुक्त किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने कहा कि हम सबको एकजुट होकर अपने संगठन को मजबूती प्रदान करनी हो। इस अवसर पर समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और सब ने मिलजुल कर साथ रहने का संकल्प लिया। बुधवार को निजी कंप्यूटर संस्था का हुआ शुभारंभ, गरीब बच्चों को दी जाएगी निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट संस्था की एक वर्ष के अंतर्गत हुई अपार सफलता के बाद संस्था के डायरेक्टर इमरान मिर्जा के द्वारा वित्तीय संस्थान का शुभारंभ मोहन कॉलोनी शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल प्रिंस ने फीता काटकर संस्था का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रिंस हुंडावाल ने कहा कि आज के आधुनिक समय में कंप्यूटर की शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर इमरान मिर्जा, अरसल मिर्जा, पीयूष अग्रवाल, उपेंद्र शुक्ला, आजाद मिर्जा, परवेज मिर्जा, शाहरुख खान, नसीब खान, अभिषेक हुंडावाल, दुष्यंत राणा, लक्की शुक्ला व संस्था के विद्यार्थी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NUSI के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान एवं राजस्थान NUSI के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में छात्र आक्रोश रैली निकालकर CM आवास का घेराव किया गया। NUSI धौलपुर जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने अपनी टीम सहित रैली में भाग लेकर छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ CM आवास का घेराव किया। छात्र आक्रोश रैली जयपुर में CM आवास घेराव के दौरान पुलिस ने NUSI कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर लाठीचार्ज कर दिया। रैली में भाग लेने गए NUSI छात्र नेता गौरव बघेला, बाड़ी विधानसभा अध्यक्ष विमल मीणा, ब्लॉक उपाध्यक्ष योगेश पंडित, ब्लॉक सचिव कृष्णा सोलंकी सहित NUSI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी को भी चोटें आई हैं और पुलिस द्वारा सभी NUSI पदाधिकारियों को थाने में बंद कर दिया है। कुशवाहा समाज धौलपुर की बैठक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर की गई, जिसमें समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा की गई एवं समाज को आर्थिक स्थिति के मद्देनजर रखते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन द्वारा अपने बच्चों की शादियां कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में बाबू सिंह कुशवाहा, पूरन सिंह कुशवाहा, उत्तम सिंह कुशवाहा, नवल सिंह कुशवाहा, शिवचरण कुशवाहा, राजा कुशवाहा, राम कुशवाहा, बीरी सिंह कुशवाहा, निरंजन कुशवाहा, जगन्नाथ कुशवाहा, रामहित कुशवाहा, करोड़ी कुशवाहा, रामेश्वर आड़तिया एवं सैकड़ों समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बुधवार को सखवारा अटल सेवा केंद्र पर इफ्को ग्रामीण हेल्थ केयर की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता रूबी खान और राघवेंद्र ने 15 ग्रामीणों की रक्तचाप, मधुमेह और नेत्र की जांच की तथा चश्मे भी वितरित किए गए। रूबी खान ने ग्रामीणों को टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आदि के बारे में भी जानकारी दी।